हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिपोर्ट करने वाले हैं खूबसूरत सी, बहुत अच्छी खुशबू देने वाली प्लांट की, जिसे हम देसी रोज कहते हैं। इसे तो मैंने आपको इसका एक वीडियो शायद पहले दिखाया होगा। पहले मैंने इसको रीप्लांट नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस पर कई सारे फूल थे और मैं नहीं चाहती थी कि उन फूलों को डिस्टर्ब करूँ। तो जब सारे फूल जो हमारे झड़ गए, तब मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ और इसकी मैं थोड़ी कटिंग भी करूँगी ताकि फिर से नए नए ब्रांच आए, और जितनी ब्रांचेज आएंगी उतनी ज़्यादा ही जो हमारे देसी फूल हैं वो निकलेंगे। और मैं बता दूँ दोस्तों कि ये जो देसी रोज है, अगर इसकी पत्तियाँ भी आप तोड़िए अपने हाथों से, तो इसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है। इतनी अच्छी कि मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी जो खुशबू है देसी रोज़ की, बहुत अच्छी लगती है। और खुशबू की वजह से ही मैं ये देसी रोज़ लगा रही हूँ। और ये देसी रोज़ लाए मुझे कम से कम 15 से 20 दिन हो गए। इसमें ये देखिए, ये नर्सरी वाले ने ऐसे बोरे की एक थैली बनाई है, उसमें ये लगा रखा था। और देखिए इसकी जड़ें कहाँ तक पकड़ी हुई हैं, बिल्कुल नीचे तक देखिए कैसे पकड़ रखी हैं जड़ें, बहुत मजबूती के साथ। मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, देखिए तोड़ दिया मैंने। और इसकी मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी सी है क्योंकि मैंने इसको पानी नहीं दिया था अभी 2 दिन से, और इसलिए ये काफ़ी भुरभुरी सी है थोड़ी सी। देखिए कितनी जल्दी से निकल जा रही है। और इसकी मिट्टी जो है वो अच्छी भी है, नर्सरी वाले ने सही मिट्टी लगाई है, बहुत ज़्यादा पकड़ी वाली मिट्टी नहीं है। कुछ नर्सरी वाले तो इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी का यूज करते हैं कि उसको निकालना ही बहुत टफ हो जाता है, बट ये जहाँ से जिस नर्सरी से मैं लाई हूँ, इनकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी सी है, अच्छी मिट्टी है ये। मैं इसमें दोबारा भी इसको रिपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये देखिए मैं पूरे रूट्स को निकाल रही हूँ दोस्तों। कुछ प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको रिपोर्ट करके भी दिखाए हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके रूट्स को ज़्यादा आप छेड़छाड़ करें तो ख़राब हो जाते हैं, बट रोज़ प्लांट के रूट्स को आपको निकालेंगे तो कोई ख़राबी नहीं होगी। आप पूरा आराम से देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको निकाल दिया, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप मिट्टी इसका निकाल दीजिए। और इसके बाद इसको हम फंगीसाइड में भिगो करके रखने वाले हैं। तो बहुत लोग डरते होंगे कि नहीं पूरी मिट्टी निकाल देंगे तो हमारा जो गुलाब का पौधा है ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि अगर आप इसकी मिट्टी को निकाल देते हैं पूरी तरह से, 0% भी नहीं रहता, तो भी आपका ये पौधा मरेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए पानी है, इसमें मैंने फंगीसाइड मिला लिया, और फंगीसाइड वाले पानी में इस रूट्स को मैं डिबो करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, 10 मिनट के लिए रख दूँगी, 5 से 10 मिनट के लिए। और तब तक मैं अपनी मिट्टी तैयार कर लेती हूँ जिसमें मैं अपने इस गुलाब के पौधों को लगाऊँगी। तो ऐसे ही साइड में इसको रखते हैं और चलिए इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ली है मिट्टी 50%, और ये 25% है हमारा वर्मी कंपोस्ट, ये थोड़ी सी है हमारी जो क्या कहते हैं इसे नीम की खली, और 1 चम्मच के करीब इसमें हम डाल रहे हैं फंगीसाइड। कोई भी फंगीसाइड आप यूज कर सकते हैं, और मैं साफ का यूज कर रही हूँ। इन सभी को अच्छी तरह से मिला दीजिए, और फंगीसाइड डालना ज़रूरी है ताकि जो गुलाब की जो जड़ें हैं वो हमारी ख़राब ना हो, कीड़े वगैरह ना लगे। नीम की खली हमने इसीलिए डाली है कि कीड़े वगैरह हमारे जो मिट्टी हैं उनमें ना आए, और फंगीसाइड भी हमारे जो पौधे को, रोज के पौधे को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि देसी रोज में जल्दी फंगस वगैरह नहीं लगते, इतनी ज़्यादा ख़राबी नहीं होती है, हार्डी पौधा होता है। हाइब्रिड रोज और जो इंग्लिश रोज होते हैं वो काफ़ी जो हैं नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनमें बहुत जल्दी फंगस वगैरह भी लग जाते हैं। लेकिन ये हमारा देसी गुलाब है दोस्तों, और देसी गुलाब थोड़ा हार्डी हमारा देसी है, मस्त हमारा गुलाब है, खुशबू भी देता है और फूल भी बहुत सुंदर इसके होते हैं। तो ये हमारा देसी, हमारा अपना गुलाब है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ, इसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। तो ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है, चलिए इसको अब हम अपने गुलाब के पौधों को लगाते हैं। तो ये देखिए निकाल लेते हैं, 10 मिनट हो गया हमारा, और ये हो चुका है, अच्छी तरीके से हमारे रूट्स धुल चुके हैं इसमें।
अब किसी भी तरह के फंगस की कोई भी आशंका नहीं रहेगी हमारे रोज में। हालांकि हार्डी पौधा है, लेकिन मैं एहतियात पूरा बरतना चाहती हूँ अपने पौधे के लिए। मैं ख़राब नहीं करना चाहती अपने पौधों को, तो इसलिए मैं इसको डिप भी कर रही हूँ। और फंगीसाइड हमने मिट्टी में डाला ही है, और मैंने ये भी चेक कर लिया कि कोई रूट्स ख़राब तो नहीं है, गली हुई तो नहीं है। चलिए इसमें गमले के अंदर डालते हैं मिट्टी। एक कोई भी छोटा सा नीचे पत्थर डाल लीजिए, कोई भी टिकरा डाल लीजिए, और मिट्टी को अब हम डालते हैं। लेयर में हमने मिट्टी डाली, अब पौधों को इसमें डालते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, कि जो नर्सरी वाले ने जहाँ तक मिट्टी लगाई थी बस वहीं तक मिट्टी लगाएं, अपने रोज़ के पौधे में, गुलाब के पौधे में, ज़्यादा ऊपर तक ना भरें और ना बहुत नीचे तक भरें। तो जितना नर्सरी वाले ने डाली थी, जहाँ तक लगाई थी, हमारे जो जॉइंट्स जहाँ से दो निकले हुए थे वहाँ तक मिट्टी लगी थी नर्सरी वाले से जब लाया था तब मैंने, तो उतनी ही मिट्टी मैं इसमें डालूंगी ताकि उतना ही हमारा पोर्शन दबे। तो आप भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नर्सरी वाले ने जितना पोर्शन मिट्टी में नीचे दबा रखा था उतना ही पोर्शन मिट्टी में दबाएं। तो चलिए इसे अच्छे से हम मिट्टी डाल लेते हैं। दोस्तों ऊपर से मिट्टी डालने के बाद अच्छे से इसको दबा दें ताकि कोई भी एयर पॉकेट जो है वो ना रह जाए कहीं से भी, नहीं तो आपके जो इसके रूट्स हैं इसमें हवा लग सकती है और हमारा रोज़ का प्लांट डेड हो सकता है, मर सकता है। तो इसलिए अच्छी तरीके से मिट्टी को दबाना ज़रूरी है। हमें अच्छी तरह से किसी भी पौधों को लगाते वक्त मिट्टी को अच्छे से दबाइए, और ऐसे आप देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा आप ऐसे ठक ठक भी कर सकते हैं, जिससे कि कहीं भी अगर ऐसा होल बन रहा हो या फिर मिट्टी नहीं गई हो तो वहाँ पर चली जाएगी मिट्टी और इक्वल सारी हो जाएगी और होल भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा गुलाब का पौधा लग चुका है दोस्तों, और चलिए इसमें अब हम पानी डाल देते हैं अच्छी तरीके से। पहली बार जब भी पानी दें पौधे में, जब भी रिपोर्टिंग करें तो बहुत अच्छी तरीके से पानी दीजिए ताकि हमारा पानी नीचे ड्रेनेज होल से पूरा बाहर निकलने लगे। तो चलिए पानी ला के मैं इसमें डालती हूँ, और ये देखिए मेरा फंगीसाइड का पानी है, इसे मैं यूज करूँगी इसमें, इसे भी डाल दूँगी, फेंकूँगी नहीं इसे। तो मैं सबसे पहले इसको डालती हूँ, और फिर अगर कम पड़ेगा तो और भी पानी ला करके मैं इस पौधे में डालूँगी। तो ये देखिए दोस्तों पानी पूरा यहाँ से सूख चुका है, और नीचे पानी सारा देखिए गमले के नीचे से निकल चुका है। इसका मतलब हमारी नीचे तक की मिट्टी बिल्कुल भीग चुकी है, और अब थोड़ा बहुत मैं साइड से देखूंगी और कट करूंगी जो भी डेड हो चुके हैं, और जो मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे बढ़े आगे उनको मैं कट कर दूंगी। हालांकि मैंने पहले भी इसको कट किया था, लेकिन आज फिर से मैं कट करूंगी जो भी मुझे एक्स्ट्रा इसमें पतली पतली सी डाल्स दिख रही हैं उन्हें कट करूंगी ताकि वो वहाँ से दो निकल जाए। उसको मैं नहीं कट करूंगी, देखिए वहाँ पर देखिए छोटा सा बिल्कुल निकल रहा है वहाँ से, तो मैं उसे छोड़ दे रही हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ कि कट कर दूँ, तो इस तरह से मैं पत्तियों को भी हटा दे रही हूँ ताकि पूरा आराम से हमारा जो पौधा है उसकी जड़ें मजबूत हो और अच्छे से बढ़े। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने घर में एक देसी रोज का पौधा ज़रूर लगाएं और इसकी खुशबू का आनंद लें। बहुत अच्छा पौधा है, बहुत खुशबूदार पौधा है, और हमें इन सब पौधों को संभाल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अब इंग्लिश और हाइब्रिड के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, जो हमारी देसी चीज़ें हैं उसे छोड़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसे अपने आंगन में ज़रूर जगह दें और ज़रूर इसको लगाएं। तो वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिए, और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और आपके जो भी जान पहचान में लोग हैं उनके साथ शेयर करिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट बगल में बेल आइकन होगा तो उसे भी दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले जो भी मैं नई वीडियो डालूँ तो। और नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलूँगी दोस्तों, तब तक के लिए कीप गार्डनिंग।